Hello kids, welcome to my channel. Today we will learn about the use of these and those. Okay, these means yah sab or those means vah sab. Theek hai? Use of these. Do you know? These means these ka matlab hota hai yah sab. ठीक है, वी यूज दीज टू इंडिकेट थिंग्स और पर्सन मोर देन वन विच आर नियर. हम लोग दीज का यूज एक से अधिक या कोई भी चीज, कोई भी इंसान, अगर कोई भी थिंग जो है एक से अगर ज्यादा रहेगी और हमारे नजदीक में रहेंगी, जो हमारे नजदीक होगी तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, वी यूज दीज. ठीक है, टी एच आई एस दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज. जैसे यहाँ टेबल के नजदीक क्या है, टेबल के नियर में क्या है, बुक है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दीज आर बुक्स. ओके, दीज के साथ ऑलवेज आर लगेगा, नॉट इज. ओके किड्स, नाउ सी द एग्जाम्पल. दीज आर एलिफेंट्स. यह सब एलिफेंट्स हैं. ये सारे क्या हैं, इनके नजदीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर एलिफेंट्स. आर क्यों लगा, क्योंकि एक से अधिक एलिफेंट है, क्योंकि एक से, बिकॉज देयर आर मोर देन वन एलिफेंट. अगर वन एलिफेंट रहता तो हम क्या लगाते, दिस, टी एच आई एस, दिस, दिस इज एन एलिफेंट. ओके, लेकिन यहाँ पर लगेगा दीज आर एलिफेंट्स. ओके किड्स, Now see the next example. These are boys. There are two boys, so these are boys. Now use of those. We use those for far, far objects, far person, far things. Okay, we use those to indicate things or persons more than one which are far. यहाँ पर हम दोस्त का यूज करेंगे उन चीजों के लिए जो दिख तो रहे हैं लेकिन हमसे दूर है, हम उन्हें छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वी कांट टच देम. ओके, सो वी फ्रॉम फॉर दिस वी यूज दोस. ओके, सी द एग्जाम्पल. दोज आर एनिमल्स. देर आर मैनी एनिमल्स, सो वी कांट टच देम. So we use here those are animals. Those are animals. See the distance, it's not near, it's far from here. Okay, so those are animals. What we will say here, those are girls. वह सब लड़कियां हैं. Those are girls. Okay, those are monkeys. See the distance, those are monkeys. Okay kids, I hope you all like this video. So thanks for watching and please like, share and subscribe my channel and make more sentence related to these and those concept. Okay, keep learning.